Assalamualaikum, welcome to student tube. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है factorization at safe and square root, एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन है factorize the following, ठीक है? a क्यूब b स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर b क्यूब c प्लस a b 4 c प्लस a 4 b c, ठीक है? अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम a स्क्वायर b स्क्वायर और c को हम ले रहे हैं कॉमन, फिर अंदर क्या आ जाएगा, अंदर 3a है, मतलब कि फर्स्ट टर्म में ऊपर क्यूब है तो एक आ जाएगा a, ठीक है? और फिर b स्क्वायर भी बाहर है और c भी, तो फिर बाकी नहीं आएंगे। इसी तरह से अगले में a स्क्वायर बाहर मौजूद है तो नहीं आएगा, अंदर b क्यूब है, बाहर b स्क्वायर है, तो मतलब कि b आ जाएगा एक, c अंदर एक ही है, बाहर भी एक ही है, तो फिर c अंदर नहीं आएगा, ठीक है? तो ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। इसके बाद फिर हमने प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ पर फिर हमने ए बी सी को लेना है कॉमन, ए बी सी जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए नहीं आएगा क्योंकि बाहर भी एक है, ए अंदर भी ऊपर भी एक ए है, ठीक है? अब बी की बारी है तो बी ऊपर चार है, बाहर एक है, मतलब कि अंदर कितने आएंगे, तीन आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर बी क्यूब आ गया, ठीक है? फिर प्लस, फिर यहाँ पर ए फोर है, यानी कि अंदर चार, ऊपर चार हैं, बाहर एक है, तो यहाँ पर ए क्यूब आएगा, बाकी बी और सी नहीं आएंगे, ठीक है? फिर यहाँ पर इसी तरह से लिखेंगे इसे, ए स्क्वायर बी सी, ए प्लस बी, फिर प्लस ए बी सी, और अंदर इसे तरतीब दे देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, ठीक है? अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ठीक है? फिर a प्लस बी हो गया यहाँ पर, और फिर प्लस ए बी सी, फिर अगेन यहाँ पर a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब अगले में यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बी सी प्लस a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ए बी सी हमने कॉमन ले लिया, और फिर ए प्लस बी हमने साथ में कॉमन ले लिया, और फिर बाकी जो रह गया वो था ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर हो गया ए बी सी कॉमन ए प्लस बी के साथ, ठीक है? और यहाँ पर ए बी प्लस का ए बी माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।